आगरा कॉलेज आगरा में टैबलेट और स्मार्टफोन पाने के लिए छात्र छात्राओं में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के आवासीय इकाई के संस्थानों के साथ संबद्ध कॉलेज आगरा कॉलेज महाविद्यालय में छात्र छात्राओं टैबलेट और स्मार्टफोन के फॉर्म भरने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है। टैबलेट और स्मार्टफोन के फॉर्म भरने को शासन स्तर से जारी निर्धारित फॉर्मेट पर छात्र छात्राएं जानकारियां भरकर संस्थानों और कॉलेजों में जमा करने के लिए पहुंचे। सुबह से ही संस्थापकों और कॉलेजों में फॉर्म जमा करने के लिए छात्र छात्राओं की भीड़ जमा हो गई। काउंटरों के सामने लंबी लाइन लगी रही। आगरा कॉलेज समेत अन्य कॉलेजों में स्नातक और परा स्नातक के छात्रों के फॉर्म भरे गए। इस बार मिलेगी हमें टैबलेट, उम्मीद ही है, क्योंकि पिछली बार जो स्टेट गवर्नमेंट जो स्कीम निकाली थी वो सिर्फ फाइनल स्टूडेंटों की स्कीम निकाली थी, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट उन्हीं की स्कीम निकाली थी। इस बार जो स्कीम निकाली है गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, वो सभी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लोगों के लिए निकाली गई है। नहीं, यूनिवर्सिटी का तो इसमें कह रहे हैं बैठ से ये बताते हैं कि पिछली बार ये बोला गया था कि जो मैन्युफैक्चरिंग थी मोबाइलों की वो नहीं बन पाई थी, इस चक्कर में गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाया था, इलेक्शन का भी टाइम था। इस बार उम्मीद है सभी बच्चों को मिलेगी और गवर्नमेंट के लिए तो अप्रिशिएट भी किया जाता है कि गवर्नमेंट बच्चों को स्मार्टनेस दे रही है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ आगे बढ़ा रही है। हाँ है थोड़ा, तो इस बार देखो आएगा नहीं आएगा तो फिर इस बार हम प्रोटेस्ट करेंगे, यदि बच्चों को नहीं मिलता है तो फिर हम प्रोटेस्ट करेंगे। और ये प्रदेश सरकार की एक योजना है जिसको मुख्यमंत्री द्वारा लागू किया गया है प्रदेश में, और पूर्व में कुछ बच्चों को टैबलेट और मोबाइल फ़ोन मिल चुके हैं, मगर चुनाव होने के कारण आचार संहिता लग गई थी जिस वजह से ये ब्रेक हो गया था। आज द्वारा से कई दिनों से ये योजना चल रही है, मगर आज लास्ट डेट है। जिन बच्चों को नहीं मिल पाए हैं वो अपने फॉर्म सबमिट कर यहाँ से अपनी आगे की प्रणाली आगे बढ़ा रहे हैं। साथ दर्पण न्यूज़ के लिए आगरा से आदर्श शर्मा।